हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 28 मई। 28 मई से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसी के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे जो आपके एग्जाम का हिस्सा बन सकते हैं वो भी मैं साथ में डिस्कस करता हुआ चलूंगा, ताकि आपका कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो वो ना छूटे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हाल ही में नाइजीरिया के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाइजर में। कहाँ पे? नाइजर में। सबसे पहले बात करते हैं कि ये ब्रांड, ये एम्बेसडर जो है ये कहाँ पे नियुक्त होते हैं और कहाँ पे चीफ कमीशन नियुक्त होते हैं, तो देख लेते हैं। जो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, ठीक है, जो कॉमनवेल्थ कंट्री है वहाँ पे नियुक्त होते हैं। वहाँ पे नियुक्त क्या किसको किया जाता है? हाई कमीशन को, ठीक है। और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री है, जो कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट नहीं करती है, उन कंट्रियों में नियुक्त किया जाता है, वहां पे नियुक्त किया जाता है एम्बेसडर को। किसे नियुक्त किया जाता है? राजदूत को या फिर एम्बेसडर को या फिर राजदूत, ठीक है, वहां पे नियुक्त किया जाता है राजदूत को, वहां पे नियुक्त किया जाता है। समझ रहे हैं बात? ये छोटी सी चीज थी तो जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। बात करते हैं नाइजीरिया की। नाइजीरिया के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वो आप लोगों को जान लें। तो नियुक्त किया गया है पीके नायर को। किसे नियुक्त किया है? पीके नायर को। मैंने बोला अगले, अभी नहीं नियुक्त किया गया है, नेक्स्ट जो होंगे वो होंगे, ठीक है, होंगे पीके नायर। बात करते हैं अभी कौन है प्रेजेंट टाइम में। तो नाइजीरिया के प्रेजेंट टाइम में कौन है ये आप लोगों को जानना जरूरी है। तो जो प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के राजदूत है उनका नाम है राजेश अग्रवाल। ये कौन से नेक्स्ट नंबर के हैं, अगले नंबर के राजदूत हैं। अभी इनको रिप्लेस करेंगे कौन? इनको रिप्लेस करेंगे पीके नायर, इनको रिप्लेस कर देंगे इनकी जगह पे, ठीक है। अभी 1-1.5 महीने में इनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। अगर अपन बात करते हैं, ये ब्रोक कर देता हूँ, हाल ही में कुछ राजदूत नियुक्त हुए हैं वो भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है तरनजीत सिंह सिंधु। तरनजीत सिंह सिंधु ये कहाँ पे नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त हुए हैं यूएसए में, ठीक है, यूएसए के ये एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं राजदूत के रूप में। यूएसए के तरनजीत सिंह सिंधु को नियुक्त किया गया है। एक और जो है उनका नाम है विनय मोहन क्वाक। विनय मोहन क्वाका, इनको कहाँ पे नियुक्त किया गया? इनको नियुक्त किया गया नेपाल का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, नेपाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया किसे? विनय मोहन क्वाका को। बात करें अगर एक और तो पवन कपूर भी आप लोगों को याद रखना है, पवन कपूर, इनको कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? इनको यूएई का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारत की तरफ से ये ब्रांड एम्बेसडर जो 2020 में नियुक्त किए गए थे वो 4 हैं, वो मैंने लिखवा दिया आप लोगों को, ठीक है। बात करते हैं अब नाइजर की। नाइजीरिया अलग है और नाइजर अलग है। मैं स्टार्टिंग में नाइजीरिया बोल दिया था गलती से, पर ये नाइजर के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए पीके नायर। बात करें अगर अपन ये रख करें छोड़ो इस नाइजर यहाँ देख लें बात करें अपन नाइजर की, तो नाइजर की सबसे पहले आप लोगों से जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है राजधानी। तो ये नाइजर की राजधानी क्या है ये आप लोग जान लें। इसकी राजधानी है निजामी, ठीक है। नाइजर की राजधानी क्या है? निजामी। और यहाँ के जो प्रेजेंट यहाँ की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीका सी एफ ए फ्रैंक, ठीक है, सी एफ ए फ्रैंक इसकी ये करेंसी है। यहाँ के पीएम कौन है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मोहम्मद इसाफो
मोहम्मद इसाको यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ये करेंसी है। आप फ्रैंक से याद रखें, CFA फ्रैंक, ठीक है, और ये इसकी राजधानी है। अगर अपन बात करें नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया किस द्वीप पे आता है, किस महाद्वीप पे आता है, तो ये आता है अफ्रीका महाद्वीप में। नाइजीरिया कौन से महाद्वीप में आता है, ये आता है अफ्रीका महाद्वीप में। हम अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग कौन करता है, अफ्रीका महाद्वीप और जो यूरोप महाद्वीप है इसे अलग कौन करता है, ये आप लोग बताएं। तो मैं बताया था इसको, इसको एक जल संधि है वो अलग करते, उसका नाम क्या है, जिब्रताल। जिब्रताल जल संधि जो है वो यूरोपीय महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है, ठीक है, ये आप लोग याद रखें, जिब्रताल जल संधि जो है वो अलग करती है, ठीक है, याद रखा है, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें अगर अपन, तो देख लेते हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ से तीन रेखाएं गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप जो है यहाँ पे तीन रेखाएं गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से तीन रेखाएं गुजरती हैं, वो मैं अपन देख लेते हैं कौन सी रेखा है। सबसे पहले जो है वो कर्क रेखा, ठीक है, दूसरी निकलती है यहाँ से, पहले है कर्क रेखा, उसके बाद जो दूसरी रेखा है वो है मकर रेखा, और तीसरी जो रेखा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है विषुवत रेखा। अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीन रेखाएं गुजरती हैं, जिसका नाम कौन सी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है, तो आप लोग ये याद रखें, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर अपन अफ्रीका महाद्वीप की अगर अपन बात करें तो देखते हैं क्या है आगे ना, और है यहाँ से जो अफ्रीका महाद्वीप से रहते हैं सब कुछ आप लोगों को बता दिया है कि मैं यहाँ ठीक से देता हूँ। तीन रेखाएं कौन कौन सी है, एक तो मकर रेखा, एक है विषुवत, ठीक है, और तीसरी है कर्क रेखा। ये तीनों रेखाएं किससे गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। नाइजर क्या है, और नाइजीरिया नाइजर पास पास के दो देश हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो है टॉपिक वो LIC से रिलेटेड है, LIC से, ठीक है। LIC ने एक योजना स्टार्ट की, किसके लिए, उस योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री वह वंदना योजना, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री वह वंदना योजना, ठीक है, याद तो याद रखें। ये योजना किसने स्टार्ट की है, प्रधानमंत्री वंदना योजना, ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, ये LIC के द्वारा स्टार्ट की गई है, ठीक है। ये किन के लोगों के लिए है, ये ओल्ड मैन के लिए, ओल्ड पर्सन के लिए, पर्सन लिख देते हैं जो व्यक्ति है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, इनसे रिलेटेड ये योजना है, ठीक है, या फिर वृद्ध व्यक्तियों के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा, ये LIC के द्वारा स्टार्ट की गई है। कब से स्टार्ट होगी ये स्टार्ट होगी 26 मई से 2020 से स्टार्ट होगी। कब तक होगी ये 26 मई 2020 से कब तक होगी, ये होगी 21 मार्च 2023 तक, 21 मार्च 2023 तक। कितने साल के लिए होगी, 3 ईयर के लिए। ये योजना कितने साल के लिए होगी, ये योजना होगी 3 साल के लिए ये योजना होगी। अब बात करते हैं LIC की, तो LIC फुल फॉर्म क्या है, LIC फुल फॉर्म में लाइफ इंश्योरेंस कमिटी लिमिटेड, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कमिटी, ये LIC की फुल फॉर्म है। LIC की स्थापना कब हुई थी, ये भी आप लोगों से पूछ सकता है, तो LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है,
इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है वो है प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है वो है एम आर कुमार एम आर कुमार इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है, LIC के लाइफ इंश्योरेंस कमिटी के हेड है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रधान LIC से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट है मैंने बता दिया। योजना स्टार्ट की इन्होंने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, किन लोगों के लिए, वृद्ध व्यक्तियों के लिए योजना स्टार्ट की, कितने साल के लिए होगी, 3 साल के लिए होगी, कब से स्टार्ट होगी, 26 मई 2020 से लेकर 21 मार्च 2023 तक होगी। LIC पूर्व में लाइफ इंश्योरेंस कमेटी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, इसके हेड है एम आर कुमार। आगे बात करते हैं थर्ड टॉपिक, बात करते हैं अपन थर्ड टॉपिक की, तो देखते हैं। ठीक है, सेना कमांडो का सम्मेलन, जो सेना कमांडो है सेना कमांडो सम्मेलन स्टार्ट किया गया है, ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ, सबसे पहली बात, ये सम्मेलन किया गया दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसमें तीनों फॉर्मेट के कमांडो आए थे, तीनों फॉर्मेट के इसमें कमांडो ने सम्मिलित हुए थे, यहाँ पे इन्होंने आकर बातचीत की थी। ठीक है, तीनों फॉर्मेट बोले तो जल थल स्थल, तीनों फॉर्मेट के यहाँ पे कमांडो आए थे। तो यहाँ बात करते हैं आगे, तो ये कब स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया 27 मई को, कब स्टार्ट किया गया, 27 मई को ये स्टार्ट किया गया था, यानी कि कल ये स्टार्ट किया गया था, और ये कब तक चलेगा, ये 29 मई तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे बातचीत करेंगे, जो भी डिस्कशन वगैरह होगा यहाँ पे, एंजॉयमेंट या फिर जो भी बातचीत करनी होगी यहाँ पे करेंगे, सेना कमांडो सम्मेलन में। ठीक है, ये साल के अंदर 2 बार होगा, 2 टाइम एवरी ईयर, साल में 2 बार होगा। अगला जो होगा वो कब होगा, वो होगा जून में, कब होगा अगला, जो अगला सम्मेलन जो होगा वो कब होगा, वो होगा जून में। फर्स्ट तो ये हो चुका है, ठीक है, जो सेकंड वाला होगा वो कब होगा, वो जून में होगा, ये आप लोग याद रखें। फर्स्ट सम्मेलन हो चुका है 27 मई से 29 मई तक, और जो नेक्स्ट सम्मेलन होगा सेना कमांडो सम्मेलन, ये होगा जून के अंदर, ये सेकंड सम्मेलन होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगर अपन आगे बात करते हैं तो दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि ये सम्मेलन काफी दिल्ली में हुआ है, तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे। दिल्ली की सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, इन्होंने कुछ समय पहले अपने ही नाम पे एक ऐप लॉन्च की थी, उसका नाम क्या, AK। किन के नाम पे लॉन्च की गई है, अरविंद केजरीवाल के नाम पे एक ऐप लॉन्च की गई है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, AK ऐप। ये कौन है, प्रेजेंट टाइम में सीएम है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, आगे बात करें अपन, तो जो इन्होंने COVID-19 के चलते प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड उस प्रोग्राम का नाम था। मैंने जितने प्रोग्राम और ऐप जो भी लॉन्च हुए मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, आप जाकर चेक कर ले, आप लोगों को वो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑपरेशन शील्ड स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, किन्होंने स्टार्ट किया, अरविंद केजरीवाल ने इसे अनाउंस किया गया था। ठीक है, यहाँ पे एक प्लान और स्टार्ट हुआ था, उसका नाम क्या था, 5T प्लान। 5T प्लान ये भी किससे संबंधित है, ये भी COVID-19 से ही संबंधित है। ठीक है, दोनों किससे, COVID-19 से ही संबंधित है, ऑपरेशन शील्ड और 5T प्लान ये दोनों COVID-19 से ही संबंधित है। आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, ये है अनिल बैजल, ये कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल है। ठीक है, कहाँ के, दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, ये है अनिल बैजल, यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल है। आगे बात करते हैं, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अपन ने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया, करंट अफेयर का जो भी यहाँ से रिलेटेड था। अगर आगे बात करते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं, सेना कमांडो सम्मेलन ये कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे हुआ है, ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, यहाँ पे तीनों फॉर्मेट के कमांडो पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे बातचीत करते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं अपन आगे, तो यहाँ के जो कब कब होगा, 27 मई से 29 मई तक ही चलेगा, ये साल में दो बार होगा, फर्स्ट टाइम ये हो चुका है, सेकंड टाइम होगा जून के माह में। बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल, इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने अपने नाम से एक ऐप लॉन्च कर दिया, छाले बोले बैठे थे तो फिर भी उनका नाम है एके ऐप, और इन्होंने दो प्रेस, इन्होंने कोविड 19 डिजीज को रोकने के लिए दो प्रोग्राम स्टार्ट किए, जिसका नाम था एक ऑपरेशन सीट और एक का नाम था 5T प्लान। बात करते हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल के, तो उनका नाम है अनिल बैजल। अब कर लेते हैं इसे रन, ठीक है, इसे अब कर लेते हैं रन। जो मणिपुर राज्य है, ठीक है, मणिपुर राज्य का एक पहल है, मणिपुर राज्य की एक पहल है, पहले बात करते हैं मणिपुर की, मणिपुर एक राष्ट्र, भारत का एक राज्य है मणिपुर, इनकी एक पहल है, उसका नाम क्या है, उसका नाम अपन देख लेते हैं, खुडोल पहल, उसका नाम क्या है, खुडोल पहल, ठीक है, फुटबॉल पहल, यहाँ की एक पहल है, कहाँ की है, मणिपुर की, किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी ये फुटबॉल पहल, ये एक एनजीओ के द्वारा स्टार्ट की गई थी, एनजीओ की कुलों में पूछ सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या करते थे, ये फूड वगैरह, मेडिसिन वगैरह कोविड 19 डिजीज के चलते ये लोगों को प्रोवाइड करते थे, ठीक है, फूड मेडिसिन वाटर जो भी रिक्वायरमेंट की चीजें जो भी कुछ भी हो, ये सब लोग कोविड 19 डिजीज की तरफ से लोगों को प्रोवाइड करते थे, कौन, खुडोल पहल के तहत, किसने स्टार्ट की गई थी ये पहल, एनजीओ के द्वारा स्टार्ट की गई थी। अब बात करते हैं यहाँ से मेन बात जो हमें बतानी है, तो जो ये पहल है खुडोल पहल, ये विश्व की टॉप 10 पहल में है, इस समय टॉप 10 पहल में शामिल की गई है, यानी कि सबसे अच्छा बताया गया इसे फुटबॉल पहल को, ठीक है, टॉप विश्व वर्ल्ड की टॉप 10 पहल में है, ठीक है, याद रखें वर्ल्ड की टॉप 10 पहल में, वर्ल्ड के टॉप 10 पहल में किसे शामिल किया गया है, ये फुटबॉल पहल को शामिल किया गया है, ठीक है। ये फुटबॉल पहल कहाँ की है, ये मणिपुर की है, यहाँ ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी पहल, ये एनजीओ के द्वारा स्टार्ट की गई थी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उस एनजीओ का नाम भी आप लोगों को याद रखना है, तो उसका नाम है या ऑल, उस एनजीओ का नाम क्या है, उसका नाम है या, और नेम ऑफ एनजीओ क्या है, या ऑल, ये उस एनजीओ का नाम है। ये एनजीओ कहाँ का है, ये मणिपुर का ही एक एनजीओ है। बात करते हैं मणिपुर की, ये सब कर देते हैं, बात करते हैं मणिपुर की, बात करते हैं मणिपुर की, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, याद रखिए मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और यहाँ के सीएम कौन है, उनका नाम है एन बीरेन सिंह, यहाँ के सीएम कौन है, वो है एन बीरेन सिंह, और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, नजमा हेपतुल्ला, यहाँ गवर्नर कौन है, वो है नजमा हेपतुल्ला, यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। यहाँ के लोकसभा सीटे हैं दो, राज्यसभा सीटे हैं एक, लोकसभा सीटे हैं दो, राज्यसभा सीटे हैं एक, ये आप लोग याद रखें, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, यहाँ पे दो फेस्टिवल होते हैं, कौन कौन से, संघाई फेस्टिवल, यहाँ पे दो फेस्टिवल हुए थे वो भी देख लेते हैं, एक तो संघाई फेस्टिवल, ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपके कहाँ पे, मणिपुर में, और दूसरा जो फेस्टिवल होता वो कौन सा था, लाइ हेरोबाई फेस्टिवल, ये कहाँ पे हुआ था, ये भी आपका मणिपुर में ही हुआ था। आगे बात करते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं, मणिपुर की जो एक पहल है उसका नाम क्या है, खुडोल पहल, किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, एनजीओ के द्वारा, उस एनजीओ का नाम क्या है, या ऑल, उस एनजीओ का नाम है, ठीक है। तो ये खुडोल पहल को विश्व की टॉप 10 पहल में शामिल किया गया है। बात करते हैं मणिपुर की, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के सीएम कौन है, वो
बीरेन सिंह, यहाँ की राजधानी क्या है, यानी गवर्नर कौन है, उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 5-2 और राज्यसभा सीटें हैं 1। यहाँ के दो फेस्टिवल है वो जो इम्पोर्टेंट है, जो ऑर्गेनाइज किए गए थे, उसका नाम है शंघाई फेस्टिवल और लाई हेरोबा फेस्टिवल। अब चलते हैं आगे, अगला जो टॉपिक है ये फोर्थ हो गया अपना। आज लास्ट जो टॉपिक, आज का फिफ्थ जो अपना, वो देख लेते हैं कौन सा है। आज का लास्ट टॉपिक जो है वो देख लेते हैं अपन, तो WHO और IOC, WHO+IOC, IOC, यहाँ प्लस का मतलब है इन्होंने हाथ मिलाया है, ठीक है, इन्होंने हाथ मिलाया है, प्लस का मतलब जो होगा ये इन्होंने हाथ मिलाया है, ठीक है। WHO और IOC ने हाथ मिलाया है, किस हाथ मिलाया है, किससे रिलेटेड, IOC ने, WHO+IOC ने स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए, स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए, स्वास्थ्य IOC और WHO ने स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए हाथ मिलाए हैं, ठीक है, हाथ मिलाए। इन अब बात करते हैं, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, WHO और IOC, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इन दोनों ने हाथ मिलाए हैं कि खेलों को बढ़ावा देते हुए जो भी स्वास्थ्य को सुधार किए जाएंगे, खेलों को बढ़ावा देते हुए लोगों के स्वास्थ्य में सुधार किए जाएंगे, ठीक है। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो किससे रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, स्वास्थ्य को लेकर इन्होंने हाथ मिलाए हैं, और किसके प्रति मिलाए हैं, खेल को लेकर, खेल को लेकर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन WHO की, तो WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैं बहुत बार बता सकूँ, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ, WHO इसके फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके हेड कौन है, इसके हेड है टेड्रोस अदाने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1957 में, 7 अप्रैल को ही हम बनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, और वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, और 2020 को WHO ने ईयर ऑफ नर्सिस एंड मिडवाइफ के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। ये आज का WHO के बारे में था। अब बात करते हैं IOC की, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़े से बारे, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1984 में, 23 जून 1987 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर लॉरिसन स्विट्जरलैंड में, लॉरिसन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप लोग याद रखें। और यहाँ के हेड कौन है, वो है थॉमस सेक यहाँ के हेड के IOC के हेड है, ठीक है। तो आज की क्लास आज अपन यही समाप्त करते हैं। आई होप भी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो कमेंट